हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को तथा बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से मठ हो गई जो आजादी के बाद कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को आतंकवाद की जन्य उस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूत करने का कार्य भारत की धरती से किया है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है, तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, ख़स्त होता है, बेमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा।